बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ रुबीना। क्या हाल सबका? आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन सैलड। उसके लिए मैंने लिए हैं मैक्रोनी एक कप, फ्रूट कॉकटेल हाफ कप लिया है मैंने, हाफ कप मैंने फ्रेश क्रीम ली है, एक कप मैंने मायोनीज ली है, दो एप्पल कट कर लिए हुए हैं और दो आलू लिए थे और इनको कट करके बॉईल कर लिया हुआ है। इसी तरह मैंने गाजर ली थी, दो गाजर ली थी, उनको बारीक करके कट करके बॉईल कर लिया है। इस तरह मटर लिए थे, थोड़े से मटर लिए मैंने और उनको भी बॉईल कर लिया है। साथ ही साथ मैंने दो चम्मच चीनी के लिए हैं। और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट चाहेंगे वो ये हैं, नमक और काली मिर्च। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। मायोनीज ऐड करेंगे। शुगर ऐड करेंगे, दो चम्मच शुगर के ये ऐड करेंगे। साथ ही इसमें है काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा डाला है मैंने, ये ऐड करेंगे। और हाफ टी स्पून नमक, नमक कम और ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल का सिरप ऐड करेंगे। और इन तमाम चीजों को मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी, ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम गाजर और मटर ऐड करेंगे। सेब ऐड करेंगे और फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीजों को मिक्स करेंगे। लास्ट में हम आलू ऐड करेंगे और इनको ऐड करके हम मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, रशियन सैलड हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही जल्दी से बनने वाली, झटपट बनने वाली, कोई भी इसको बना सकता है। स्पेशली बैचलर तो इसको फौरन ही बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे भी कोई अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक आया है। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कैसी बनी है। वाओ, जबरदस्त। अपना और अपने इर्द गिर्द का और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।